प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो हमने देखा कि जनवरी के महीने में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है और दिल्ली में लगभग 140 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, यानी लगभग इस दायरे में बारिश हो चुकी है, जबकि जनवरी का जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 19.3 मिलीमीटर होता है, केवल 19.3 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज बारिश होती है। जबकि इस बार हमने देखा कि जनवरी के महीने में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने, जिससे दिल्ली में मूसलाधार बारिश रही और काफी अच्छा जो स्नोफॉल है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 10 सालों के दौरान हमने जनवरी के महीने में इतनी बारिश नहीं देखी है, यानी कि ये पिछले 10 सालों का कम से कम रिकॉर्ड है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए, जो इस महीने का आखिरी सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो अब धीरे धीरे लद्दाख और उससे आगे की तरफ बढ़ रहा है और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उत्तरी राजस्थान और हरियाणा के ऊपर, और हवाएं अभी भी इस तरह से घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के आसपास या लो प्रेशर एरिया के आसपास घूमती है और अरब सागर से भी नमी लेकर के आ रही है। एक ट्रफ रेखा है जो बिहार तक जा रही है, एक और ट्रफ रेखा है जो छत्तीसगढ़ तक जा रही है। तो इसके प्रभाव से क्या होने वाला है कि आज जो मौसमी गतिविधियां हैं वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र इस इलाके से हट जाएगी, क्योंकि मुंबई में आपने देखा कल हल्की बारिश हुई थी, बड़ोदरा में भी हल्की बारिश हुई थी, इंदौर में हल्की बारिश हुई थी, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली थी। केवल दक्षिणी जिले रह गए थे और दक्षिण पश्चिमी जिले रह गए थे, बाकी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई थी और आज अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों सहित उड़ीसा के कुछ भागों में देखने को मिलेंगी, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन अभी भी, क्योंकि ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है इसके प्रभाव से ट्रफ के दोनों साइड में बारिश की गतिविधियां जारी रहती है, तो हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग है उन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हो जाए आज भी, और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा से लगे हुए जो जिले हैं राजस्थान के, जैसे गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ और झुंझुनू वगैरह, इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन खास बारिश अब नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। ये 23 तारीख का अपडेट है और 24 तारीख होते होते पहाड़ों से स्नोफॉल लगभग समाप्त हो जाएगा, बहुत हल्का स्नोफॉल और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश रहेगी, और उसी तरह से जो 24 तारीख को पूरे उत्तर भारत में भी मौसमी गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी, एक दो स्थानों पर बादल छा सकते हैं और बहुत हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके साफ हो जाएंगे, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी और 24 तारीख होते होते पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी जो अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रह सकती है। यानी कि जो वेदर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कम होते हुए पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में रहेगी और 25 तारीख होते होते ये पूरा इलाका शुष्क हो जाएगा और वेदर एक्टिविटी केवल पूर्वोत्तर राज्यों में ही सीमित रह जाएगी। और अगर बाकी इलाकों की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी, छत्तीसगढ़ में हो रही थी, वो हट जाएगी। उड़ीसा के कुछ इलाकों में और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रह जाएंगी। और एक और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो ये है, अगला मैप है, ये तो आज का मैप है, कल का मैप अगर आप देखें तो हवाएं इस तरह से बदल जाएगी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां से हट गया और ये हवाएं आप देखिए ऊपर से, यानी कि उत्तर दिशा से इस तरह से चलना शुरू हो जाएंगी। जब पहले क्या था, हवाएं इस तरह से घूम रही थी, आपने देखा ये इस तरह से घूम रही थी, लेकिन अब क्या है कि हवाएं सीधी आ गई, तो जो बर्फीली हवाओं को रोकने वाली हवाएं थी वो हट गई और ये यहां जो कि स्नोफॉल हो चुका होगा तो यहां से जो ठंडी हवाएं आएंगी अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान काफी तेजी से गिरेंगे, यानी कि जो रात के तापमान या न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, वो काफी ज्यादा गिर जाएंगे। जो 10, 11 और 12 डिग्री थे वो 6-7 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, यानी 3-4 या 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है, उसी तरह गुजरात को एक बार फिर
कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है कुछ दिनों के लिए। और मुंबई और उसके आसपास भी जो तापमान है वो 15-16 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर आ सकते हैं, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें भी कुछ गिरावट हो सकती है। नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन सारे इलाकों में, अहमदनगर सिटी वगैरह सब इलाकों में, पुणे वगैरह तक। और ये जो हवाएं हैं ये आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ और तेलंगाना तक तापमान गिराएंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी कि पूरे उत्तर और मध्य और दक्षिण भारत के कुछ भागों में अब मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा कि ये जो वेदर एक्टिविटी आगे की तरफ सरक जाएगी, तो जब बारिश होती है और नमी बढ़ती है और तापमान गिरते हैं, आसमान साफ होता है, तो क्या होता है कि फॉग यानी कि घना कोहरा छाने की संभावना बन जाती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा अगले 2 दिनों के दौरान छा सकता है, 24 और 25 तारीख को, अगर हवाएं कमजोर रहती है। क्या होता है कि जब मिनिमम टेम्परेचर 6-7 डिग्री तक पहुंच जाते हैं और नमी 90% से ज्यादा होती है, हवाएं हल्की होती है, आसमान साफ होता है, तब जो जमीन है यानी कि धरती है उसका जो सरफेस है बहुत तेजी से ठंडा होता है, और जो नमी वाली हवाएं उसके आसपास होती है वो कंडेंस होकर के फॉग बना लेती है और उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, जो धीरे धीरे जैसे ही धूप निकलना शुरू होती है तो फॉग की लेयर हटना शुरू हो जाती है और दोपहर में धूप निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 तारीख से पूरे उत्तर भारत में दिन में धूप निकलना शुरू हो जाएगी, दिन में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम रहेंगे, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन दोबारा आने की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण भारत में एक ट्रफ रेखा आप देख सकते हैं ये बनी हुई है, तो उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है, यानी कि भुवनेश्वर, पुरी और गजपति, गंजम और जो आसपास के इलाके हैं चांदवाली वगैरह, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह विजयनगरम, सीकाकुरम, काकीनाड़ा, कृष्णा, गोदावरी, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं या बादल छा सकते हैं। तेलंगाना का मौसम शुष्क रहेगा, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ साथ केरल का मौसम शुष्क बना रहेगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून पूरी तरह हट चुका है, मौसम विभाग ने ये बता दिया है, और वैसे भी बारिश की गतिविधियां बहुत दिनों से हो नहीं रही थी, और अब आप देखिए जो उत्तर उत्तर पूर्वी जो हवाएं चल रही थी वो बंद हो गई हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून में वो चलती रहती हैं, तो कुल मिलाकर के ये ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और मौसम पूरी तरह इस सारे दक्षिण भारत का शुष्क रहेगा, केवल तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।